वॉइस चेक करिए फटाफट, वॉइस क्लियर है? आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हाँ आज हम थ्योरी का पोर्शन करने वाले हैं। जो थ्योरी का पोर्शन क्या कहता है एक बार समझते हैं। इस चैप्टर में से ना थ्योरी भी आना कंपलसरी रहता है, के थ्योरी पूछा ही जाता है, जिसमें से कुछ एक थ्योरी आज हम कवर कर लेंगे। चलिए सर, क्लियर क्लियर क्लियर। हमने अभी तक इस चैप्टर में लेवल ऑफ इन्वेंटरी या ईओक्यू हो गया, या फिर लीफो फीफो। आज लीफो फीफो के भी मैंने रिकॉर्डेड क्वेश्चंस डाले हैं 3 से 4, जो कि आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 28 या 26 के आसपास है। उसे आप चेक करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। हम पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में एक पॉइंट होता है बिन कार्ड। बिन कार्ड और एक होता है स्टोर लेजर। सर बिन कार्ड, एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, नाव आ गई होगी, चेक कर लीजिए। हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक होता है हमारा बिन कार्ड और दैट इज, एक होता है स्टोर लेजर। एक क्या होता है हमारा स्टोर लेजर, और ये क्या आ गया? अच्छा मैंने ये कर दिया, स्टोर लेजर। आप समझिएगा स्टोर लेजर क्या होता है और बिन कार्ड क्या होता है। पहले बिन कार्ड की हम बात करें तो बिन कार्ड जो है ना, कई बार देखा होगा दुकान पे आपने, कुछ इस तरीके का जार, और इस जार के अंदर ना स्लिप लगा देते हैं। स्लिप का मतलब है एक पर्चा टाइप का लगा देते हैं। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, और इस पर्चे के ऊपर इसमें बड़ी सारी डिटेल लिखा होता है। जैसे कि मान लेते हैं चीनी है इसमें, इस जार के अंदर मान लो क्या है, चीनी है। अब चीनी इसके अंदर है, इसके ऊपर आपका वो क्वांटिटी लिख देते हैं, और ये ग्राहक के लिए नहीं है। आप मत सोचना कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कस्टमर हमने देखा है, ये आपके लिए नहीं है, वो दूसरी चीज है। कुछ इसी तरीके से होता है, ये गोडाउन में रखते हैं अपने पास, और यहां पे इस वाले जो पर्चा लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्टोर कीपर है, ये गोडाउन में रखेंगे ताकि जो स्टोर कीपर है, यानी जो स्टोर कीपर होता है, सर स्टोर कीपर कौन होता है? चौकीदार, जो कि सामान की सारी एंट्री करता है एक तरीके से। वो क्या करता है, ये देखता है कि हमारे दुकान में कौन सा सामान है और कौन सा, ये नहीं देखेगा है या नहीं है, वो देखेगा कितना सामान है एक तरीके से। और अब उसके पास बहुत सारे बैग है, तो अलग अलग क्वांटिटी है, रेट है, तो सब चीज देखना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, हर किसी पे पर्चा लगा देता है कि भैया ये इतने किलोग्राम है, ये इतने क्वांटिटी है, ये ऐसे ऐसे है, ये करके, ताकि उससे अगर फोन आए, इस स्टोर कीपर को पता है कौन फोन करता है? स्टोर कीपर को फोन करता है हमारा अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट को कौन फोन करता है पता है? अकाउंटेंट को फोन करता है हमारा शोरूम वाले, यानी दुकान वाले, यानी मालिक कह लेते हैं दुकान पे। चैन ऐसे चलता है, इस दुकान के ऊपर
इस दुकान के पास आता है कस्टमर। कस्टमर ने दुकानदार से सामान मांगा। अब दुकानदार सबसे पहले अगर दुकान के अंदर अवेलेबल है तो इंस्टेंट दे देगा, नहीं तो बोलेगा एक बार मैं चेक करा लेता हूं माल। ये फटाफट कॉल करेगा अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट अपना रजिस्टर निकालेगा, और जो अकाउंटेंट अपना रजिस्टर निकालेगा पता है कौन से वाला? अभी बताते हैं। देखो, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस वाला, यानी लीफो या फीफो जो आपने किया है वो रजिस्टर निकाल लेगा। ये उस रजिस्टर में से चेक करेगा बैलेंस में कितना है, और जैसे ये होगा ये इसको कंफर्म कर देगा, जी सर सामान है या नहीं है। जैसे बोलेगा है, ये आगे कंफर्म करेगा है। और अकाउंटेंट हर बार अकाउंटिंग करेगा, ये डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करेगा, और इस अकाउंटिंग को मेंटेन करेगा डेली रेगुलरली। और स्टोर कीपर जो चौकीदार है, चौकीदार जो है वो क्या करता है, हमारा सामान जब फैक्ट्री के अंदर आता है, मान लेते हैं हमारा सामान जब गोडाउन में आएगा, तो गोडाउन में आते ही यहाँ पे गार्ड होता है, वो गार्ड एंट्री करता है रजिस्टर पे, हाँ एक चला गया। और जब ये उतरता है तो यहाँ पे एक स्टोर कीपर होता है, वो गार्ड भी एंट्री कर देता है, और स्टोर कीपर रहता है चलो रखवाओ माल गोडाउन में। उसने बोला 50 कट्टे आए चीनी के, बोले रखवाओ, तो वो देखता रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 50 होगा, लिख लेगा 50 चीनी टन। उसके बाद और क्या आया, चावल के 20 कट्टे आए हैं, वो लिख लेगा डन। ऐसे पहले नहीं लिखेगा, पहले गिनवाएगा वो, और फिर वो लिख के हर किसी के ऊपर लिख देगा अपने पास के, ये सारा का सारा इस रॉ के अंदर इस साइड चीनी है और इस साइड चावल है, आटा इस तरीके से कर लेगा। ये काम किसका है सर? स्टोर कीपर का। और वो सारा जो इसका जो है ना, एक पर्चा फॉर्म भर लेगा, जो इसमें फॉर्म डाला हुआ है ना, ये पर्चा जाके पकड़ा देगा किसको? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट इस पर्चे की मदद से लिखेगा 50 कट्टा चीनी आया है और इतना बचा हुआ है। आपको प्रोसेस देखो बहुत आसान लगेगा फिर। यानी सर सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ, सामान आया गेट के अंदर एंट्री करा। इमेजिन करो गेट के अंदर सामान आ रहा है फैक्ट्री के अंदर, गेट के अंदर ही गार्ड ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, गार्ड ने एंट्री करा, ठीक है अपना नाम पता लिख, आया गेट के अंदर जाके जहां पे गोडाउन का दरवाजा है वहां पे लग गई गाड़ी उसकी। जैसे ही गाड़ी लग गई, उसके बाद एक बंदा और ऑफिस से निकल के आया, बोला भैया क्या क्या लेके आया? उसने बोला 50 कट्टा चीनी लेके आए, 50 बैग आपका चावल लेके, आटा लेके आए। उसने बोला चलो पहले चीनी उतरवा, उसने फटाफट उतरवाया, बोला ओके। अगर पता चला 49 है तो बोलेगा नहीं भाई 49 ही लेके आए हो तुम, उसका उसी टाइम पर्ची वर्ची बना के दे देगा, उसके स्लिप पे भेज देगा। सेम उसके बाद अगला पॉइंट लिख लेगा, लिखने के बाद गाड़ी खाली हुई और वो बाहर चला गया अपना। उसके बाद ये जो पर्चा इसने भरा है उसे, दैट इज कॉल्ड बिन कार्ड, उसको बोलते हैं बिन कार्ड, जो पर्ची पे उसने लिखा है। वो पर्चा जो भरा है उसने क्वांटिटी, सिर्फ उसे क्वांटिटी से मतलब है, कितने का नहीं है ये सब नहीं, कितने कितने सामान पड़े हुए, ये भेज देगा अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट फटाफट चढ़ा लेगा अपने पास, कहाँ, स्टोर लेजर लीफो फीफो में। अकाउंटेंट ने चढ़ा लिया, चढ़ाने के बाद अगर वहां से कॉल आएगा, कहाँ से, दुकान से, बोलेगा भैया इतना सामान भेज दे, ये बोलेगा अभी चेक कर लेता हूँ है या नहीं। अगर इसके पास भी सामान अगर इसको नहीं मिला, बोला कि इसने बोला कि भैया 100 कट्टे भेज दे, इसने बोला यार मेरे पास 50 है, बोला सर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ गोडाउन में स्टोर कीपर से, इसने बोला भैया और कट्टा पड़ा हुआ है, 50 तो लिखा है और है क्या, उसने बोला कि अब तो है या नहीं है, जवाब देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, बहुत बार पूछा गया है ये। तो स्टोर लेजर और बिन कार्ड में डिफरेंस क्या है? तो बिन कार्ड आपको पहले तो आपको समझ में आना चाहिए बिन कार्ड क्या है और स्टोर लेजर क्या है। बिन कार्ड कौन बनाता है, उसके लिए ज्यादा अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, वो तो बस बैग कट्टा वट्टा गिनता है, यानी जूनियर स्टाफ। स्टोर लेजर लीफो फीफो हर किसी को थोड़ी ना आ जाएगा। आप देखोगे अगर किसी को मैंने स्टोर कीपर बनाया कि एक काम करो जाओ और जाके जो भी सामान आ रहा है उसे लिख लो, तो आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, 10वीं पास कोई भी कर लेगा। लेकिन लीफो फीफो आर्ट्स वाले तो बोलेगा हमने सीखा ही नहीं है ये तो। यानी ये सीनियर स्टाफ करेगा लीफो फीफो का मेंटेनेंस। तो पहला डिफरेंस ये कौन करेगा, जूनियर, और ये
सीनियर। दूसरा, यहां पे सिर्फ क्वांटिटी लिखा जाता है, यहां पे क्या लिखा जाता है सिर्फ कि 10 बैग आए, 20 बैग आए, 50 बैग आए और पर्चा, और ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी भी और रुपीस भी लिखता है कि इतने वैल्यू का सामान पड़ा हुआ है। पहले आप बताओ इसमें से क्या होगा, पहले स्टोर लेजर बनेगा या पहले बिन कार्ड होगा, ये आप बताओ। पहले ये होगा बिन कार्ड, फिर स्टोर लेजर, ये भी तो डिफरेंस है हमारा। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से हमारा अगली क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बिन कार्ड और स्टोर लेजर। मैं दिखा भी देता हूं, स्टोर लेजर तो आपने अभी इतने सारे जितने करे ना लिफो फिफो के अंदर, वो सारे स्टोर लेजर थे। चलिए बिन कार्ड दिखा देता हूं। बिन ये कार्ड के तरीके का होता है, मैंने वैसा इमेजिनरी बताया, ये कार्ड के तरीके का होता है। ये देखिए यहां पे क्वांटिटी वगैरह लिखा जाता है, ये कुछ इस तरीके से देख लीजिए, आप देख सकते हैं बिन कार्ड कहां गया। देखिए ये बिन कार्ड का फॉर्मेट है, यहां डिस्पर्सन ऑफ आइटम, मैं भर के देखता हूं एक बार बिन कार्ड। मैंने लिखा यहां पे आटा, डेट 1 तारीख को, 1/4 को, कोई प्रीवियस बैलेंस है, हाँ 500 किलो, नंबर ऑफ रिसीव ब्लैंक ब्लैंक, प्रीवियस बैलेंस है छोड़ दिया। अब 4/5 को कुछ आया क्या, हाँ 200 किलो आया, नंबर ऑफ रिसीव, इस तरीके से ना इनका फॉर्मेट होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन ना अपने यूनिट के हिसाब से बनाती है। वो तो सिर्फ डायरी लेता है, वो फटाफट 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 चेकलिस्ट लगा देता है। तो ये क्या था हमारा बिन कार्ड, आप देखेंगे एक ही जैसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ का बिन कार्ड अलग है, इसका बिन कार्ड अपना है, इसका बिन कार्ड देखिए अलग है, और किताब में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे बिन कार्ड देखिए कैसे है, इसका बिन कार्ड देख लीजिए, ये थोड़ा क्लियर लग रहा है, ये वाला दिखाते हैं, पुराने वाला डिलीट मारते हैं। ये बिन कार्ड देखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल जो सीखा था हमने, ये सब यूज होता है हमारे रियल लाइफ में। अब यहाँ डेट है, GRN गुड्स रिसीव नंबर, क्वांटिटी कितना की आपने, क्योंकि हर बिल का पर्चे का नंबर होता है उसे बोल दो। इशू रिक्वेस्टेड क्वांटिटी बैलेंस और नेम क्या है, आटा चावल चीनी दाल या फिर जिसको दे रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए। तो आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, आपने बिन कार्ड का तो देख लिया, और बिन कार्ड बनाने को कभी भी नहीं पूछा जाता, डिफरेंस आएगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या जो हमने सीखा है वही है या फिर कुछ अलग है। तो क्या कहता है, कहता है बिन कार्ड इज रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी ऑफ मटीरियल। पहले बताइए इसमें कोई डाउट, बिन कार्ड जो है सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल करेगा आपके, हालांकि किताब में भी दे रखा है। कहता है स्टोर लेजर, स्टोर लेजर मतलब लीफो फीफो, ये रिकॉर्ड करेगा क्वांटिटी भी एज वेल एज वैल्यू ऑफ मटेरियल, दोनों चीज लिखेगा। बिन कार्ड इज कीप्ड बाय द स्टोर कीपर, स्टोर कीपर मतलब वही जो वहां पे लिख रहा है सारा, और स्टोर लेजर इज कीप्ड यानी बनाया जाएगा बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यानी अकाउंटेंट ऑफिसर ही बना सकता है इसको, और यहां पे आप कह सकते हो जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ भी लिख सकते हो। एंटायर बिन कार्ड आर मेड बिफोर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और इश्यू ऑफ मटीरियल की प्लेस, बिन कार्ड बनाया जाता है जब हम सामने वाले को भेज देते हैं ना, उससे पहले बिन कार्ड बन जाता है, क्योंकि ऑफिस में माल जाने से पहले बन जाएगा। कहता है कि एंट्री इन द स्टोर लेजर मेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस, अब स्टोर कीपर में कैसे होता है, इशू कर दिया, लिफो वाले ने बोला अब इशू हो गया। बिन कार्ड कब होता है, आपका माल आ गया आपने लिख लिया, देने से पहले बिन कार्ड बन जाता है। और स्टोर कीपर कब करता है, जब दे देता है ना सामान तो बोलता है हाँ जी मैंने इशू कर दिया। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसका थ्योरी में, और आपके किताब में भी गिवन होगा और किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। आप जो भी बुक आप कर रहे हो फॉलो, MN अरोड़ा कर रहे हो, महेश्वरी मित्तल कर रहे हो, वट एवर नेम कॉल, आप जो भी बुक है हर जगह मिल जाएगा लगभग लगभग। चलिए सर, किसी को डाउट, बिन कार्ड समझ में आ गया, एक अगले थ्योरी पे चलें। अगर आपको बिन कार्ड समझ में आ गया हो तो एक अगले थ्योरी पे चलें।
बताइए। बिन काट समझ में आया तो अगले थ्योरी पे चले। बिन यस, चलिए अगले थ्योरी पे चलते हैं। आप लोगों के इंटरनल हुए होंगे शायद, उसमें भी पूछा गया होगा ये। अब अगले थ्योरी पे चलते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी देखता हूं। मैं अपने घर की बात करूं, और मैं आपको घर के अंदर सामान रखने के लिए बोलूं सर, आप कौन सा सामान कैसे रखोगे? आपके पास मैं कुछ सामान देता हूं। अच्छा सर, आपके पास क्लॉथ है, कपड़े जो हम पहनते हैं, आपके पास कुछ वॉच वगैरह है, या फिर कह लेते हैं गैजेट कह लो, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, और आपके पास गोल्ड है, सोना, और गोल्ड आपके कॉइन है, सिक्के हैं सोने के आपके पास, ठीक है ना? आपके पास तीन चीजें हैं। घर के अंदर मैं जगह भी बना देता हूं। एक लॉकर है, एक आपके घर में लॉकर है, एक घर के अंदर आपका ड्रॉर है, शोकेस कह लो, ड्रॉर कह लो, अलमीरा कह लो, लॉकर का मतलब जहां चाबी ताला, अलमीरा, और एक ऐसे ही नॉर्मली आप कह लो सिंपल सी चीजें, और कुछ भी हो सकता है घर में। तो सबसे पहली चीजें, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, आप इन तीनों के साथ कैसे डील करोगे? सबसे पहले क्लॉथ को आप कहां रखोगे घर में? अलमारी में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हैं, ओपनली रखा जा सकता है ना? अब मान लेते हैं आपका क्लॉथ जो है, अगर कुछ एक खो भी जाता है तो इतना हमें वो नहीं होगा कि यार। अब दूसरा जो वॉच है, इसको थोड़ा मैं सिक्योर रखूंगा सेफ्टी के साथ। जैसे आपके पास मान लेते हैं मोबाइल है महंगा, तो वो तो गिर आपके हाथ से गिर जाता है तो आप एकदम से उठा लेते हो। और तीसरा जो गोल्ड है, इसको तो छुपा के रखते हैं। आपको अगर 1 किलो का सोने का ईंट दे दूं, बोलो जाओ एक बार घूम के आओ मार्केट में, पूरा लपेट उपेट के ले जाओगे, किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। और मोबाइल है तो दिखा के ले जाओगे थोड़ा सा। तीनों यानी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा आप सिक्योरिटी दोगे गोल्ड को, फिर सिक्योरिटी दोगे, यानी मैं कह सकता हूं जिसको सिक्योरिटी देते हैं ना, उसको ए रैंकिंग दे देते हैं, ए रैंकिंग। और इससे कम सिक्योरिटी किसको? बी रैंकिंग। और इससे कम सिक्योरिटी, अब मैं खर्चे की बात करूं, अब मैं खर्चे की बात करता हूं, आप मुझे बताना, आपके पास तीनों चीजें, सबसे ज्यादा पैसा आपने कहां लगाया होगा? ए वाले में, यानी यहां पे सबसे ज्यादा पैसा होगा। आपने ज्यादा पैसा यहां पे क्या करा होगा सर? इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद थोड़ा कम कहां लगाया होगा? बी में लगाया होगा आपने, मोबाइल फोन वगैरह में। और सबसे कम पैसा कहां लगाया होगा? क्लॉथ के अंदर। यहां पे एक तरीके से मीडियम पैसा मान लेता हूं मैंने लगाया, और यहां पे पैसा जो लगाया आपने, अब एक बार क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, पैसा ज्यादा लगाया यहां पे, तो ये इतना सारा आएगा क्या? क्वांटिटी के टर्म्स में कितना होगा? बहुत थोड़ा। यानी सर पैसा ज्यादा लगा लेकिन क्वांटिटी कम होगा। इसकी बात करें, पैसा कम लगा लेकिन क्वांटिटी इसकी क्या हो सकती है? ज्यादा। आपने रुई खरीद लिया 10 किलो, घूमते रहो लेके, तो इसके अंदर क्या होगा? आपका क्वांटिटी क्या होगा? और इसके अंदर क्या होगा? मीडियम बोल दो, ठीक है?
और ये हम सभी अपने घर में, अपने लाइफ में, हर जगह हम इसको फॉलो करते हैं, हर जगह इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इससे बताओ, इससे फायदा क्या होता है? आप ये फॉलो कर रहे हो, इससे फायदा क्या होता है? इससे होता है कि गोल्ड वाला सिक्योरिटी बढ़ जाता है, वेस्टेज कम होता है। वेस्टेज का मतलब उसे तो हम वेस्ट ही नहीं करते भाई, बहुत महंगा सामान है। और जो आपका मोबाइल फोन वगैरह अगर पुराना हो जाता है तो थोड़ा कम वेस्टेज हो जाता है मतलब। और ये वाला सामान जो है, ये आप कपड़े खोले फेंक दिए इधर उधर, तो ये थोड़ा सा मतलब ऑर्डिनरी हो गया ये। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और किसके ऊपर कम ध्यान देना, ये आप जानते हो। यही सेम कॉन्सेप्ट लेके आया गया बिजनेस के अंदर। हर बिजनेस के अंदर जो स्टॉक आता है ना, वो सेम कैटेगरी का स्टॉक नहीं होता। कुछ महंगा भी होता है, कुछ सस्ता भी होता है, और कुछ ना महंगा ना सस्ता। तो इसको बोला गया कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे आपने इस सामान को कैटेगरी में रखा ना, ऐसे जो स्टॉक आता है ना, वो भी किस में रख लेते हैं हम? कैटेगरी में। और जो सबसे बढ़िया वाला है कैटेगरी, उसको ए में रख लेंगे, और उससे थोड़ा सा कम वाला और सबसे कम वाला सी लिखा है ना, हाँ सी में, सी कैटेगरी में रख लेंगे। अब आप सुनार की बात कर लेते हैं। तो सुनार का जो देखा जाए डायमंड और गोल्ड है वो सिक्योर रखेंगे, और जो डमी है वो बाहर रख लेंगे। उस कैटेगरी में वो बना लेते हैं अपने आप को किस तरीके से करना है। तो मेरा कहने का मतलब है सर, हम अपने रियल लाइफ के अंदर जो काम करते हैं वो बिजनेस में भी होगा। तो इसका मतलब उन्होंने एक ग्रेडिंग दे दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया ए बी सी एनालिसिस। यानी क्या बोला गया सर? ए बी सी एनालिसिस। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी एनालिसिस बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द ए बी सी एनालिसिस? तो सर ए बी सी एनालिसिस क्या है? आपको तो घर वाली बात समझ में आई गई। सर ए का मतलब है कि ए बी सी एनालिसिस का मतलब हम स्टॉक को कैटेगराइज कर देंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टॉक है उसे ए कैटेगरी में रखेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट तो यूज लगेगा, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल होगा। जो मीडियम वाला है उसको हम बी कैटेगरी में रखेंगे। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा नहीं लगेगा और क्वांटिटी भी बहुत सारा नहीं होगा, मीडियम मीडियम सो सो। और सी कैटेगरी में रख देंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लग रहा है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगा। खत्म हो गया सर। इसे करते क्यों एबीसी? ताकि हमारा बिजनेस का स्टॉक स्मूथली चले, हमारा मेंटेनेंस अच्छे से चले। इसका एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया गया कि इस परसेंटेज में रखेंगे। तो इसका मतलब सर, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, एक्सप्लेन एबीसी एनालिसिस, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी चीज है। तो भैया सिंपल सी बात है, ए कैटेगरी का मतलब महंगा सामान, बी कैटेगरी थोड़ा मीडियम वाला, और सी कैटेगरी सबसे सस्ता सामान। लेकिन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर एक बात करें, इन्वेस्टमेंट और क्वांटिटी में अपोजिट रिलेशन है। यहां ज्यादा पैसा कम सामान, कम पैसा ज्यादा सामान, और यहां मीडियम है, समझे? तो एक बार देखते हैं क्या है एबीसी एनालिसिस, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये रहा, इसके कुछ क्वांटिटी भी रखे गए हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द एबीसी सिस्टम इन्वेंटरी कंट्रोल, क्या है बताइए, डिस्कस द एडवांटेजेस बताइए, एक्सप्लेन एबीसी सिस्टम कंट्रोल बताइए। अलग अलग तरीके से कई बार बोला गया है कि एबीसी कंट्रोल सिस्टम बता दो, एबीसी क्या है। और ना आपका एक चैप्टर भी होता है एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग, वो अलग चैप्टर है सर, वो अलग है, वो अलग है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या कहता है यहां पे, एबीसी सिस्टम इज अ इन्वेंटरी कंट्रोल, एबीसी मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल मींस ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल विच गिविंग द मोर अटेंशन टू दोज आइटम विच आर कंसिस्टेंट एंड लेस अटेंशन दोज आर यूज इन लार्ज। यानी जो कम मात्रा में यूज हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देना, महंगा होगा वो। कहता है क्वांटिटी बट आर आपका कंपेरेटिवली लो वैल्यू, वही चीजें मैंने जो बताया वो चीजें लिखी हुई हैं। ऑल आइटम मटेरियल क्लासीफाई इंटू थ्री ए बी और सी में, आइटम ऑफ कैटेगरी ए आर कंसिस्ट यूज द स्मॉल क्वांटिटी आइटम कैटेगरी बी, मिडल क्वांटिटी और मिडम आपका क्वांटिटी भी होगा,
और वैल्यू भी होगा इसके अंदर। एंड सी कैटेगरी में विच आर चीप बट लार्ज क्वांटिटी, जो मैं बता रहा था इसका क्वांटिटी बोला क्या है, ये 70% तो हमारा वैल्यू पैसा लग जाता है, लेकिन सामान 10% ही आता है, मतलब क्वांटिटी वेट के टर्म में। और ये 20% और 20% रखा गया बराबर बराबर मीडियम, और ये 10% ही हमारा पैसा लगता है, लेकिन सामान 70% यूनिट के टर्म्स में आ जाता है। आगे देखा जाए क्या कहता है, इसके एडवांटेजेस वगैरह भी देखेंगे हम। तो आगे कहता है द एबीसी एनालिसिस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द आपका एक्सेप्शन इन द एरिया ऑफ मटेरियल कंट्रोल को और एक्सटेंशन कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल आइटम ऑफ हाई वैल्यू सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल देन अदर आइटम लेसर वैल्यू, मतलब ये एक एक्सेप्शन भी है कि वैसे तो इन्वेंट्री भैया तुम्हारा सामान है सब पे बराबर ध्यान दो, लेकिन ये और ज्यादा हमें कॉन्सियस कर देता है कि महंगे वाले सामान को हम अलग से ध्यान से रखें। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड, वेरियस आइटम ऑफ मटेरियल यूज फैक्ट्री क्लासीफाई वेटेड असाइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहता है कॉस्ट पर यूनिट जो है ये सारी निकाली गई है। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था इसके एडवांटेजेस भी बताइए, तो एडवांटेजेस देखिए, मैं इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दूंगा। कहता है कि आपका स्ट्रिकर कंट्रोल ओवर मटेरियल इज पॉसिबल, इसके वजह से ही हम मटेरियल के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा पाते हैं। तो फायदा एडवांटेज है, जितना ज्यादा आप मटेरियल पे कंट्रोल लगाओगे उतना ज्यादा कम वेस्टेज होगा, जितना कम वेस्टेज होगा उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा उतना सस्ता होगा, जितना सस्ता होगा आप मार्केट में कॉम्पीट कर पाओगे। कहता है स्मूथ फ्लो प्रोडक्शन प्रोसेस अवेलेबल मटेरियल, स्मूथ फ्लो का मतलब आपको पता होगा कि ये आपके पास कितना सामान पड़ा है कितना नहीं है, ये सारी बातें पता होगा तो स्मूथली फ्लो करेगा। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल हाई वैल्यू ऑफ आइटम इज मिनिमाइज द रिलेटेड वर्किंग कैपिटल अदर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में एटलीस्ट हाई वैल्यू ऑफ आइटम, किसमें कितना पैसा फंसाया जाए वो आपको ध्यान होगा। कई बार हम क्या करते हैं, सस्ता मिलता है हम सस्ते वाला सामान बहुत ले आ रहे यार, टेंशन हो गई, एक तो पैसा भी फंसा दिया, रखने की भी जगह नहीं है, है ना। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर वेल, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर आल्सो मिनिमाइज थ्रू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू इसी के अंदर का मैकेनिज्म है, हेल्प हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट का मतलब होता है हमारा जो स्टॉक होगा वो फ्रिक्वेंटली ज्यादा रहेगा हमारे पास। तो एक ये क्वेश्चन बनता है सर हमारा, क्या बनता है सर, बिन कार्ड। तो दो थ्योरी किया हमने, एक क्या हमने बिन कार्ड और हमने स्टोर लेजर के बीच में डिफरेंस, एक देखा हमने क्या एबीसी एनालिसिस क्या होता है। ठीक है सर, इसके बाद और क्या थ्योरी बनता है सर हमारा इसमें, इसको आप पढ़ लेंगे। अब बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आया हर किसी को, कोई दिक्कत हो, पढ़ना तो देखो बाद में है, पहले मेन हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई ना, फिर वन टाइम पढ़ने के बाद एग्जाम में लिख सकते हो, पहले समझ में आया बताइए।